मूविंग फॉरवर्ड, इनमें से कौन एक स्केलर क्वांटिटी है? तो व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच ओनली हैज अ क्वांटिटी एंड नो डायरेक्शन. और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? विच हैज बोथ द क्वांटिटी यानी कि अमाउंट प्लस डायरेक्शन. तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक स्केलर क्वांटिटी है. मैंने आपको पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जस्ट रिमेंबर इट. ये एक एबरेशन है, तो बहुत हाई चांसेस है कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सी, वॉटर. अगेन सेम रीजन है, क्योंकि इसमें डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं. सो देयर फोर वेन एवर इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, ये कटायन और एनायन बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. ओके, आगे देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी. अब मैंने आपको पहले भी बताया था विस्कोसिटी क्या है. विस्कोसिटी इज लाइक ग्रेविटेशन इन फ्लूइड्स, ग्रेविटेशन इन फ्लूइड्स. और फ्लूइड्स का मतलब होता है बोथ लिक्विड एंड गैसेस. तो लिक्विड और गैस दोनों में विस्कोसिटी, ये क्या करेगा, जो हमारा मोशन है इसको अपोज करता है. क्लियर, आगे देखिए, डॉब्सन यूनिट इज द मेजरमेंट ऑफ. तो डॉब्सन यूनिट में हम मेजर करते हैं थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर. आपको पता होगा कि इन द स्ट्रेटोस्फेयर, द लेयर जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर, एक ओजोन की लेयर प्रेजेंट है. ओजोन मीन्स O3, जो कि हमको सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है. इसकी जो थिकनेस है ना, हम इसको डॉब्सन यूनिट में मेजर करते हैं. और डॉब्सन यूनिट की जब रीडिंग हमको कम मिलने लगती है, तो ये प्रूफ करता है द ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड. क्लियर है. और जो वन डॉब्सन यूनिट है, इसको हम डिफाइन करते हैं एज 0.01 मिलीमीटर थिकनेस एट STP. ठीक है, और इसकी एक और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वन डॉब्सन यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 2.687 × 10^20 मॉलिक्यूल पर ओजोन स्क्वायर मीटर. ये काम की नहीं है, अरे डॉब्सन यूनिट किसका यूनिट है ये पूछ सकता है. तो ओजोन लेयर. अब मैमोमीटर से हम क्या नापते हैं, मैमोमीटर. मैमोमीटर इज जनरली यूज्ड टू मेजर व्हाट डज इट मेजर, द प्रेशर ऑफ गैस. ठीक है, तो मैनोमीटर से हम प्रेशर ऑफ गैस को मेजर करते हैं. क्लियर. अ मैच स्टिक स्टक फायर बिकॉज, यानी पूछा जा रहा है जो माचिस की डिब्बी होती है, यहाँ पे आपने देखा इसे स्क्रैचेस होते हैं. जब हम इसमें मैचस्टिक को लाइट करते हैं, तो इसमें आग क्यों लगती है? रीजन ये है कि फ्रिक्शन कॉजेज फायर, द फ्रिक्शन मे कॉज फायर. इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, फोर्स हीटेड नहीं, ओनली द फ्रिक्शन. इट इज द फ्रिक्शन दैट द मैचस्टिक कैचेस फायर. ओके, अ पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन. अब यहाँ एक और फॉर्मूला देखो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π √L/g. ये होता है क्लियर. तो जो हमारा पेंडुलम क्लॉक है वो सबसे फास्टर कब रन करेगा, देखो ये तब रन करेगा जब मेरा टाइम पीरियड कम होगा, व्हेन माय टाइम पीरियड विल बी लेस, सो द पेंडुलम क्लॉक विल फ्लो मोर फास्टली. अब क्या होता है कि ड्यूरिंग द विंटर्स हमको पता है कि जो मेटल होता है दे कॉन्ट्रैक्ट, और समर्स में दे एक्सपैंड. तो ये जो लेंथ है ये कम हो जाती है, और लेंथ अगर कम हो रही है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगी, एंड व्हेन द टाइम पीरियड कम्स डाउन द स्पीड इंक्रीजेस, सो द आंसर विल बी इन द विंटर सीजन. क्लियर, आगे देखिए, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0° to 10° C व्हाट डज हैपन. तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट डिक्रीज करता है उसका वॉल्यूम, और बाद में उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है. रीजन ये है कि वाटर जो है वो 0 से 4 डिग्री के बीच में एक एनामुलस एक्सपेंशन शो करता है. रीजन क्या है, देखो सबसे पहले तो अगर आप किसी चीज को हीट करोगे तो वो एक्सपैंड करेगा, लेकिन वाटर 0 से 4 डिग्री के केस में इट डिक्रीजेस, एंड आफ्टरवर्ड्स आफ्टर 4 to 10 डिग्री इट इंक्रीजेस. व्हाई? ड्यू टू द एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. वाटर में ये एक वेराइटी, एक वेरिड प्रॉपर्टी है. ओके, नाइट आर कूलर्स इन डेजर्ट्स देन इन प्लेन्स. व्हाई? रीजन ये है कि जो सैंड है ना वो बहुत जल्दी हीट को रेडिएट कर देता है, यानी सैंड जो है दिस गेट्स हीटेड मोर इजिली एंड ऑल्सो कूल्स डाउन मोर इजिली. तो डे टाइम में उसने जितना हीट ट्रैप किया है, नाइट टाइम में सारे हीट को लूज कर देता है. क्लियर, तो इसका रीजन है सैंड रेडिएट्स मोर क्विकली द हीट देन द अर्थ, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर, और एक और चीज आप अगर जानोगे, डेजर्ट्स में ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत हाई होता है. ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी हाई, यानी कि नाइट टाइम और डे टाइम के टेम्परेचर में वास्ट डिफरेंस हमको मिलता है. क्लियर, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी. इनमें से हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी है, आई विल गिव यू अ चार्ट, लेकिन इनमें अगर आपको याद रखना है तो लाइट हैज गॉट द हाईएस्ट वेलोसिटी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज यूज इन द ऑप्टिकल फाइबर. देखो ये ऑप्टिकल फाइबर है,
इसमें क्या होता है, हम एक यहाँ पे रेडिएशन को भेजते हैं, ये इस तरीके से ट्रैवल करता है। आप कहो यहाँ पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? एक और चीज याद रखना, या फिर चलो आप मुझको ऑप्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज द कंडीशन। दो कंडीशंस होते हैं फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। क्लियर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो सबसे एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट डेविएटेड द मोस्ट व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। इसका रीजन है वायलेट लाइट। जब भी हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को ऐसे करके पास कराते हैं तो वायलेट लाइट जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है। रीजन ये है क्योंकि वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है। दिस हैज गॉट द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयरफॉर इट्स स्पीड ऑल्सो डिक्रीजेस एंड इट डेविएट्स बाय अ लार्ज अमाउंट। ओके, अगला देखो। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, उसकी एक जो क्वांटिटी है वो अनचेंज रहती है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी और द म्यू। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, रीजन स्पीड चेंज होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो गेट्स चेंज, वेवलेंथ ऑल्सो गेट्स चेंज बिकॉज द स्पीड इज चेंजिंग, इट इज ओनली द फ्रीक्वेंसी दैट रिमेन्स अनचेंज व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, द ग्रीन ग्रास अपीयर्स ग्रीन बिकॉज। देखो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो आप, जब भी कोई भी सरफेस होता है, ठीक है, हमको अगर कोई सरफेस का कोई कलर अगर हमको दिख रहा होता है, इसका ये मतलब है दिस सरफेस इज नॉट ऑफ दैट कलर बट दिस हैज अब्सॉर्ब ऑल द अदर कलर। इसने सारे कलर को अब्सॉर्ब कर लिया है और जो कलर को ये अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, रिफ्लेक्ट करता है, वो हमको दिखता है। तो ग्रास ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ग्रास का जो सरफेस है उसने बाकी कलर को अब्सॉर्ब कर लिया है और ग्रीन कलर को वो रेडिएट कर रहा है। क्लियर? इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, इट रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर टू आवर आईज। इट रिफ्लेक्ट ऑल कलर नहीं, इट अब्सॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स। अब्सॉर्ब ग्रीन कलर भी नहीं है, रिफ्रैक्शन भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला देखो, रियर व्यू मिरर जो कि हम लोग यूज करते हैं, इसमें हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? वी यूज द कन्वेक्स मिरर। व्हाई कन्वेक्स मिरर? क्योंकि दिस गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू रादर देन अ प्लेन मिरर ऑफ द सेम साइज। क्योंकि इसका जो इमेज बनता है दैट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, यानी कि जो हमको इमेज मिलेगा वो हमेशा सीधा इमेज मिलेगा, दैट विल नॉट बी एन इन्वर्टेड इमेज और अ वर्चुअल इमेज। क्लियर? अगला देखो, व्हेन व्यूड इन लाइट व्हाइट सोप शोज कलर। देखो अगर आपने कभी सोप के बबल को देखा है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक, अगर मैं कह सकूं उसको, हम एक टॉय बाय करते थे जहां पे एक पाइप होता था और वहां अगर हम ब्लो करते थे तो बबल निकलता था। उस बबल पे जब लाइट पड़ते थे ना तो वो बबल हमको डिफरेंट कलर्स का दिखता था। उसके पीछे का रीजन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्या होता, क्या है, जब लाइट इंसिडेंट सोप बबल पे होता है ना, तो इसके डिफरेंट थिकनेसेस की वजह से यहाँ पे अलग अलग वेव फ्रंट्स बनते हैं एंड दोज वेव फ्रंट्स दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्लियर? अगला देख, एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड एंड द फारेनहाइट थर्मोमीटर्स दे आर द सेम। चलो इसमें मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखाता हूँ, इससे क्या होगा, आप इसको कभी भी याद रख सकते हो। क्लियर? देखो करना क्या है हमको, जो भी स्केल होता है उससे हम लोग सबसे लोएस्ट रीडिंग को माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट माइनस लोएस्ट रीडिंग। सिमिलरली फारेनहाइट स्केल की जो लोएस्ट रीडिंग होती है वो होती है 32 और हाईएस्ट रीडिंग होती है 212 माइनस 32। क्लियर? अब देखो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है, सी बाय 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाय 180। क्लियर? अब इसको आप ऐसे कैंसिल कर दो तो ये आ जाता है सी इज इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में सेम रीडिंग है, यानी कि मैं ये सी को एफ से रिप्लेस कर सकता हूँ, एफ बाय नाइन एफ माइनस 32। तो ये क्या हो जाएगा, 9F इज इक्वल टू 5F माइनस 32 इंटू 5 160। इसको आप यहां लेके आओ, 4F इज इक्वल टू माइनस 160, तो F इज इक्वल टू माइनस 40। ये प्रूव हो गया, यानी कि माइनस 40 पे सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में सेम रीडिंग मिलेगा। क्लियर? यही अगर यहाँ पे आपको केल्विन स्केल दे देगा तो केल्विन स्केल की जो लोएस्ट रीडिंग होती है वो होती है 273, तो ये आप 273 कर दो, हाईएस्ट रीडिंग होती है 373 माइनस 273, एक और इक्वेशन मिल जाएगा आपको। क्लियर? एज सिंपल एज दैट। अगला देखो, व्हेन सॉगी बिस्किट्स आर केप्ट इनसाइड द फ्रिज दे बिकम क्रिस्प, बिकॉज क्योंकि फ्रिज के अंदर की जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत लो होती है और वो इस सॉगी बिस्किट्स में से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेती है। एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज अब्सॉर्ब।
एक और चीज याद रखना कि जब वाटर वेपर में जब मॉइस्चर हमारा कंडेंस होता है तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द नाइट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यू इज नॉट फॉर्म बिकॉज, स्ट्रॉन्ग विंड में ड्यू किसलिए नहीं बनता है, बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज द फास्टेस्ट। क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ऑन एडिंग द कॉमन सॉल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल, जब भी हम कोई भी इम्प्योरिटी को प्योर वाटर में ऐड करते हैं तो उसका जो मेन फीचर्स होते हैं जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन, ये सभी में कुछ अंतर पड़ता है। सबसे पहले तो ये चीज को आपको हमेशा याद रखना। क्लियर। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जब आप वाटर में सॉल्ट को ऐड करोगे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, यानी वाटर एक लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। क्लियर है। उसके बाद में जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी वाटर जो है वो एक हायर रेट पे बॉइल करेगा। क्लियर। यानी यहां पहले बॉइलिंग है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज एंड द फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज। क्लियर। आगे बढ़ो। प्रेशर कुकर कुक्स फूड इन लेसर टाइम। देखो सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने भी 2021 में प्रेशर कुकर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, देयरफॉर प्रेशर कुकर अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर। ठीक है। प्रेशर के इंक्रीज होने से टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट का वो इंक्रीज करता है और जो हमारा खाना है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। क्लियर। अगर मैं बोलूं तो जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है इन साइड द प्रेशर कुकर। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव। देखो यहाँ हमारे पास है रेडियो वेव्स, एक्सरे, लाइट वेव, साउंड वेव्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे साउंड वेव्स जो है दे आर अ मैकेनिकल वेव्स, बाकी ये जो तीनों वेव्स हैं दे आर नॉट मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स अब देखो क्या होते हैं, बेसिकली मैकेनिकल वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर। एंड बाकी दे ऑल आर ट्रांसवर्स वेव्स। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अगेन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सुपरसोनिक वेव्स जो है ये साउंड वेव्स के एग्जाम्पल है। ठीक है। हम इनके स्पीड्स को मैक में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बाकी ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्लियर। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो मैं यहाँ पे आपको चार्ट दे रहा हूँ, इस चार्ट को आप हमेशा याद रखें। देखो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेवलेंथ पे है। सबसे पहले सबसे ज्यादा होता है रेडियो वेव्स, देन वी हैव द माइक्रोवेव्स, देन वी हैव द इंफ्रारेड, उसके बाद में आता है विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट और एक्सरे। ये क्या है, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ इनका डिक्रीज कर रहा है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। चलो, विच रेडिएशन इज यूज इन सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन में हम एक्सरे यूज करते हैं। एक्सरे के जो फाउंडर थे उनका नाम था विलियम रॉन्गेटेन। ठीक है। एंड सबसे क्या फेमस बात है, ही इज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ नोबेल प्राइज। ठीक है। यानी एक्सरे के फाउंडर को सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको आप याद रखना, लाइट वेव्स आर ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही स्पीड होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अगला देखो, हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस बाय, हीट जो है सन का वो हम तक पहुंचता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। क्लियर है। कंडक्शन कन्वेक्शन अलग अलग फेनोमेनाज होते हैं, ये जब हमको अप्रोप्रिएट प्लेस मिलेगा, जैसे अगर मुझे कोई हॉट आयरन रॉड के बारे में आपको बताना, सो देयर आई विल टेल यू अबाउट कंडक्शन। ठीक है। अगर मुझे आपको एटमॉस्फेयर में जो करंट्स पास होते हैं जिसके चलते रेनफॉल होता है, देयर आई विल टॉक अबाउट कन्वेक्शन। तो अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे आई विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। क्लियर। द साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी इन। तो देखो, जो भी ऐसा वेव पार्टिकल है जिसकी की वेलोसिटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, सो वो हमेशा जो मटेरियल ज्यादा कॉम्पैक्ट है, जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है और इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, उसकी उसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एंड स्पेसेस आर मिनिमम, इसीलिए साउंड वेव्स की सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो है वो सॉलिड में मिलती है। क्लियर। आगे बढ़ो। एन एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर हिज कंपेनियन एट द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज मून के पास कोई सरफेस ही नहीं है।
कोई मीडियम नहीं है, एंड द साउंड वेव्स दे रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, देर इज नो मीडियम फॉर साउंड प्रोपोगेशन। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो नॉइस पॉल्यूशन को मेजर करते हैं डेसिबल में, सुना है ना आपने, 60 डेसिबल से ज्यादा होगा तो नॉट अलाउड, रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक, तो दैट इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। क्लियर? उसी में आप ये भी याद रखो कि जो हर्ट्स है, हर्ट्स दिस इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और नैनोमीटर इज द फ्रीक्वेंसी इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर? आगे देखो, 1 किलोवाट आवर का क्या वैल्यू होता है, इसका वैल्यू है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। कैसे? देखो, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट × 1 आवर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 36 × 10⁵ जूल इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल। क्लियर? आगे बढ़ो, लाइट एमिटिंग डायोड किस प्रिंसिपल पे काम करता है। दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, मींस कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर किसी सरफेस को हिट करते हैं तो वहां से लाइट एमिट होती है, इसीलिए इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड एंड द प्रिंसिपल इज नोन एज इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। क्लियर? आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इनमें से ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस हैज गॉट सम रिलेशन और अदर विथ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऐसे डिवाइसेज है स्पेसिफिकली जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। एक है डायनेमो। डायनेमो का काम क्या होता है, टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है। ठीक है, तो ये दोनों काम करते हैं ऑन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डज व्हाइट लाइट प्रोड्यूसेस इन अ ट्यूब, बाय ऑक्सीलेटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो है अपने प्लेस पे ऑक्सीलेट करते हैं जिसकी वजह से हमको ट्यूब में व्हाइट लाइट का प्रोडक्शन दिखता है। क्लियर? आगे देखो, कौन सा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। देखो, ऑल्टरनेटिव करंट मीन्स अ साइनोसोडियल ग्राफ। ठीक है, डायरेक्ट करंट मीन्स अ सिंगल ग्राफ। तो ये काम होता है रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर क्या करता है, इसको ऐसे क्लिप कर देता है, इसको ऐसे क्लिप कर देता है जिससे कि हमको एक डायरेक्ट करंट मिलता है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो, फोटोवोल्टिक सेल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, किससे रिलेटेड है, सोलर एनर्जी से। फोटोवोल्टिक सेल जो है ये कैसे काम करता है, जब इस पे सन की रेडिएशन पड़ती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। क्लियर? सो दिस इज द वे इन विच दिस वर्क्स। ओके, अगला देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग। तो बेसिकली रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी सेमीकंडक्टर का, जब हम उसको हीट करते हैं उसमें क्या चेंजेस आ रहा है ये पूछ रहा है। तो द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इंक्रीजिंग टेम्परेचर से उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, द एनर्जी ऑफ अ सन इज रिलीज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थ्रू फ्यूजन। कैसे, हाइड्रोजन एटम इज कन्वर्टेड इंटू हीलियम एटम। और अभी मैनकाइंड इज ऑल्सो मेकिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस, जिसको कि हम कहते हैं टोकामाक। एक टोकामाक रिएक्शन हो रहा है जिसमें बहुत सारे देश मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बनाना चाह रहे हैं। क्लियर?